हेलो गाइज, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी तरह का रील्स एडिट करके बताने वाला हूँ जो कि अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो चलिए इसी तरह का वीडियो बनाना सीखते हैं। ओके, तो नेम एडिट करने के लिए सबसे पहले पिक्सल लाइव एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है और आप जिसके नाम से वीडियो बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख लेना है और ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके आगे आना है और फॉन्ट पर क्लिक करके इस वाले फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों, इस नाम को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद कलर पर क्लिक करके ब्लैक कलर कर लेना है। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और इस PNG को ऐड कर लेना है। मैं सभी PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब दोस्तों, इस PNG को छोटा करके यहाँ पर फिट कर देना है। उसके बाद फिर प्लस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और इस PNG को ऐड कर लेना है। उसके बाद इस PNG को छोटा करके यहाँ पर फिट कर देना है और फिर प्लस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और इस स्टार वाला PNG को ऐड कर लेना है और इसको छोटा करके यहाँ पर फिट कर देना है और इसका एक कॉपी कर लेना है और इस तरफ भी PNG को ऐड कर लेना है और कलर पर क्लिक करके लाल कलर को सेलेक्ट कर लेना है और इस PNG को भी लाल कलर कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद कलर पर क्लिक करना है और प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है और कलर पर क्लिक करके ग्रीन कलर को रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके पिंक कलर को सेलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इस इमोजी को ऐड करके लिखना है नाम ही काफ़ी है और इसको यहाँ पर लाना है। उसके बाद कलर पर क्लिक करके रेड कलर कर देना है और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आना है और शैडो को इनेबल कर देना है। उसके बाद स्टाइल पर क्लिक करके बोल्ड कर देना है। उसके बाद दोस्तों, फिर प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करना है और तीन इमोजी को ऐड कर लेना है और इसको यहाँ पर लाना है। उसके बाद लास्ट में आकर इसको इनेबल कर लेना है और 3D शैडो को भी। उसके बाद इस शैडो को भी इनेबल कर लेना है। उसके बाद फिर प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम ID का नाम लिख लेना है और इसको छोटा करके यहाँ पर फिट कर देना है और कलर पर क्लिक करके ब्लैक कलर कर देना है। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है। अब दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए नॉइज ऐप को डाउनलोड करके ओपन करना है और सर्च वाला आइकन पर क्लिक करके सर्च करना है अनरोल और इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है और प्लस पर क्लिक करके पिक्सल लैब में जिस फोटो को एडिट किए हैं उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है और इस फोटो को फुल स्क्रीन करके सही पर क्लिक करना है और इस वाटरमार्क को हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को सबसे पहले सेव कर लेना है। उसके बाद VN ऐप को ओपन करना है और प्लस पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और इस वीडियो को ऐड कर लेना है और इस वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है और लास्ट में आकर ब्लैक बैकग्राउंड को डिलीट कर देना है और यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब दोस्तों, फाइनली पूरा तरह से वीडियो बन चुका है।